एमपी में मॉनसून की एंट्री के बाद झमाझम बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में मॉनसून एक्टिव हो गया है। इधर मंगलवार को भी मॉनसून के चलते प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मंगलवार को अलीराजपुर जिले में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं धार, रतलाम, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, कटनी, दमोह, पन्ना, छतरपुर समेत कई जिलों में आंधी गरज चमक की स्थिति रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। अगले 2-3 दिनों में ये पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। हालांकि सबसे आखिरी में ये ग्वालियर चंबल संभाग में पहुंचेगा। राजस्थान में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात, ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर एक ट्रफ लाइन अरब सागर और चक्रवात से दूसरी ट्रफ लाइन छत्तीसगढ़ तक बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। इसके साथ ही 25 से 26 जून को स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ इन मौसमी सिस्टम के एक्टिव होने के चलते प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि इस साल सामान्य से 106% तक बारिश हो सकती है। फिलहाल तो पिछले 24 घंटों में मॉनसून के असर से कई जिलों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के एक्टिव होने से प्रदेश के कई जिलों में आज भी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।